प्रदेश में सोमवार को दुलंडी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर टोंक जिले में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले छोटे खाटू के नाम से प्रसिद्ध बाबा श्याम मंदिर में भक्तों का दर्शन करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पंचामृत से स्नान कराकर बाबा को पोशाक पहनाई। स्थानीय कलाकारों ने इस अवसर पर एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। धुलंडी के अगले दिन प्रदेश के पुलिसकर्मियों ने भी होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। अनूपगढ़ जिला पुलिस लाइन में हुए होली मिलन कार्यक्रम में एसपी रमेश मौर्य के साथ पुलिसकर्मी भी होली खेले। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, एसपी, एडीएम, एडिशनल एसपी भी मौजूद रहे। इसी प्रकार कोटा में मंगलवार को पुलिस होली की धूम रही। इस दौरान पुलिस लाइन में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। बूंदी में होली के रंग में सराबोर एसपी हनुमान प्रसाद मीणा और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने पुलिस जवानों के साथ जमकर होली खेली। चित्तौड़गढ़ जिले में होलिका दहन और दुलंडी पर्व को सुरक्षित शांतिपूर्ण कराने के लिए कानून व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों ने दूसरे दिन मंगलवार को हर्षोल्लास से होली का महात्योहार मनाया। चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी भी पुलिसकर्मियों के बीच पहुंचे। डीग जिले की पुलिस होली में भी खूब रंग गुलाल उड़ा। फिल्मी होली गीतों पर एसपी राजेश मीणा सहित अन्य अफसर और पुलिसकर्मी जमकर झूमे। जिस प्रकार से होली मननी चाहिए पुलिस में, उसी से हमने मनाई है। आप सभी ने बहुत अच्छा नृत्य किया, गाने बजाए और उसके अलावा एक दूसरे से गले मिले, तो आपको एक बार पुनः आपके परिवार को होली की शुभकामनाएं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।